आइए वेलकम करते हैं एक और नई एक्ट्रेस हैं, वो बहुत ज्यादा अरसा नहीं हुआ उनको फिल्म में आए हुए, लेकिन बड़े ड्रामों में आपको नजर आ रही हैं, बड़ी चट्टो पट्टो बातें करती हैं, पटाखी सी हैं, और वो भी रेपतन हुई हैं लहंगा साड़ी में। आइए वेलकम करते हैं सुकैना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना साड़ी बनेगी हम चलेंगे कैसे, उनको ये होता है पता नहीं ये लहंगा है, हमें लहंगा पहनने आसानी है। और दूसरी बात ये शौक भी होता है ना लड़कियों को, तो वो शौक में भी कैरी करके और उसको बर्दाश्त भी कर लेते हैं। अगर है भी अलाउड नहीं होती शादी से पहले साड़ी ना, तो ये सही है, बड़ों को बता देना भाई लहंगा पहना हुआ है, दुपट्टा आगे कर लिया है। गुड आइडिया, गुड आइडिया, लड़कियों बहुत अच्छी टिप दिया हमने, उसको फॉलो करें। आगे ही मेरी तीसरी सेलिब्रिटी गेस्ट भी क्या वो तैयारी में है अभी भाई, उनको बहुत टाइम चाहिए होता तैयारी में क्योंकि वो अंबर आने वाली है थोड़ी देर में, वो आएंगी। अच्छा तो कह रहा तुमने कभी साड़ियाँ पहनी है? नहीं मैंने फर्स्ट टाइम पहनी है। पहनी है किसी ड्रामे में भी नहीं? नहीं पहनी। हाँ और अच्छा तुमने? मैंने बहुत पहनी है। हाँ मैंने अपने दो तीन सीरियल्स में भी बहुत पहनी है, मतलब साड़ी को ही कंटिन्यू किया, और वैसे भी आम भी बहुत पहनी है। अच्छा डिनर पे जाते हुए किसी इवेंट पे जाते हुए बहुत पहली दफा तो मतलब लाइक कौन सी क्लास में थी तुम, याद है कि कब पहनी थी? मैंने मैट्रिक में पहनी थी। हाँ फेयरवेल में। हाँ मैट्रिक पहनी थी और वो जो अच्छा ये पता नहीं क्यों होता है ना, ये सब मुझे ये कहते हैं अच्छा फेयरवेल में पहनी होगी। हाँ वो स्टिच थी। अच्छा साड़ी नहीं बांधनी आती थी, तो मैंने अपनी सिखा था मुझे स्टिच बनवा के, तो उन्होंने मुझे स्टिच बनवा के दी, और वो साड़ी पहनने की उस वक्त बिल्कुल तमीज नहीं थी ना मुझे, तो साड़ी मैंने ऊपर चढ़ा ली और नीचे से हील नजर आ रही है और पीछे से साड़ी ऊपर, सब मजाक करे, मैं खुश हो रही हूँ, मुझे देख के खुश हो रहे हैं।